योगी ने मारी बिहार की राजनीति में एंट्री। शिवहर में सन्यासी करेंगे सियासत, लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, तैयारी पूरी। योगी ने मारी बिहार की राजनीति में एंट्री। शिवहर में सन्यासी करेंगे सियासत, लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, तैयारी पूरी। बिहार की राजनीति में एक योगी की एंट्री होने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। अब शिवहर संसदीय सीट से एक सन्यासी को सांसद बनाने का सियासी मैदान बनेगा। शिवहर में चुनावी किस्मत आजमाने के लिए योगी अखिलेश्वर दास महाराज पिछले कई सालों से सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह भगवाधारी योगी अखिलेश्वर दास बिहार में अपनी विशेष पहचान रखते हैं। विशेषकर शिवहर के इलाकों में इनकी विशिष्ट पहचान और प्रभाव ही इनका सीधा फायदा दिला सकता है। लोकसभा चुनाव में इनको खास मजबूत दावेदार के रूप में माना भी जा रहा है। इसलिए भाजपा इस बार योगी अखिलेश्वर दास के चेहरे पर बड़ा दाव खेल सकती है। जाति का बड़ा फायदा। योगी अखिलेश्वर दास की हिंदुत्ववादी छवि युवाओं में लोकप्रियता सहित शिवहर की जन्म स्थान होने का एक बड़ा फायदा चुनाव में मिल सकता है। इतना ही नहीं, जातीय तौर पर भी योगी अखिलेश्वर दास के लिए शिवहर सबसे बड़े समर्थन वाला सीट होगा। भले ही संतों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन बिहार की सियासत में जाति की अहमियत काफी ज्यादा मजबूत दावेदार मानी जाती है। ऐसे में वैश्य समुदाय में तेली जाति से आने वाले योगी अखिलेश्वर दास को अपनी जाति का फायदा भी मिल सकता है। शिवहर में सर्वाधिक मतदाता भी तेली जाति से है। एक अनुमान के मुताबिक तेली कानू जाति के मतदाता तकरीबन 8 लाख हैं। योगी अखिलेश्वर दास की पहचान एक कथावाचक और हिंदुत्ववादी की रही है। कुछ समय पूर्व ही शिवहर में विराट हिंदू संत सम्मेलन कराकर योगी अखिलेश्वर दास ने अपनी खास पहचान बनाई। इस सम्मेलन में देश के कई प्रसिद्ध संतों के साथ ही दो शंकराचार्य भी आए। इतना ही नहीं, युवाओं के लिए अक्सर क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे खेलों का आयोजन कराकर योगी अखिलेश्वर दास ने युवाओं के बीच अपनी पकड़, लोकप्रियता जरूर जरूरत से ज्यादा हासिल की। योगी से जुड़े लोगों का माने तो योगी की इस सामाजिक पकड़ को भाजपा अब भुनाना चाहती है। इसलिए इस बार के चुनावी मैदान में योगी की उम्मीदवारी लगभग तय मानी जा रही है। एक तरह से योगी अखिलेश्वर दास के चेहरे का इस्तेमाल बिहार में योगी आदित्यनाथ की तरह करने की भाजपा तैयारी कर सकती है। शिवहर में मौजूदा सांसद रमा देवी हैं। रमा देवी 70 वर्ष की आयु पार कर चुकी हैं। ऐसे में इस बार उनकी जगह किसी नए चेहरे को पार्टी टिकट दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इसमें योगी अखिलेश्वर दास प्रबल दावेदार बन सकते हैं। इसमें योगी की हिंदुवादी छवि के साथ ही इनकी जाति भी काफी अहम है। शिवहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में पवन जायसवाल ढाका से, लाल बाबू गुप्ता चिरैया से, मोतीलाल प्रसाद रीगा विधानसभा सीट से विधायक हैं। तीनों सीट अभी भाजपा के खाते में हैं। इतना ही नहीं, वेलसंड से राजद विधायक संजय गुप्ता भी तेली जाति से आते हैं। सिर्फ मधुबन और शिवहर विधानसभा से ही अन्य जाति के विधायक हैं। ऐसे में यह योगी इतना ही नहीं, बिलसंड से राजद विधायक संजय गुप्ता भी तेली जाति से हैं। सिर्फ मधुबन और शिवहर विधानसभा से ही अन्य जाति के विधायक हैं। ऐसे में यह योगी अखिलेश्वर दास के तेली जाति से होने का एक बड़ा फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, मौजूदा समय में भाजपा का कोई भी सांसद अभी तेली जाति का नहीं रहा है। निर्दलीय भी ठोकेंगे ताल। योगी अखिलेश्वर दास को लेकर कहा जा रहा है कि अगर उन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के पूर्व ही कई ऐसे कार्यक्रम योगी के द्वारा आयोजित कराए गए हैं जो यह संकेत दे रहे हैं कि चुनाव में योगी अखिलेश्वर दास इस बार एंट्री मार सकते हैं। चूंकि योगी की सामाजिक लोकप्रियता, तेली सहित अन्य जातियों में मजबूत पकड़, हिंदूवादी छवि, युवाओं में पकड़, कुछ ऐसी विशेषता है जो इनके दावे को और मजबूत कर रही है। तो इस बार देखना है शिवहर में किस प्रकार का चुनावी मैदान सजता है और योगी अखिलेश्वर दास के लिए भाजपा क्या राह निकालती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।